हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सो so, जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस स्टडीज के प्रीवियस सेशन में हमने आपको डायरेक्टिंग चैप्टर के कुछ ऐसे दो टॉपिक्स सजेस्ट किए थे जिनको प्रिपेयर करने से आपके सिक्स मार्क्स गारंटी हो चुके हैं सिमिलरली आज के सेशन में हम बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग चैप्टर में भी हम आपको दो ऐसे टॉपिक्स बताएंगे जिसको प्रिपेयर करने के बाद आपको और कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी

दो टॉपिक्स मेन हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं सो बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर एट कंट्रोलिंग फाइव मार्क्स चाहिए तो ये दो टॉपिक्स जो मैं आपको बताने वाला हूं अच्छे से करना अब अगर हम बात करें ओवरऑल टॉपिक्स की तो आप देख सकते हो कंट्रोलिंग होता क्या है इसका मीनिंग कंट्रोलिंग के फीचर्स क्या है कंट्रोलिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्रोलिंग के लिमिटेशंस क्या है और कंट्रोलिंग का प्रोसेस क्या है ये फाइव टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं और एक छठा टॉपिक जो आपके सिलेबस में नहीं है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है इसको तो छोड़ दो बचे हुए इन पांच टॉपिक्स में से आपको केवल दो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और वो कौन से हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की जो कि टू मार्क्स के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा दैट इज मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग यानी कंट्रोलिंग है क्या इसका मीनिंग बेसिक जो आपको करना पड़ता है और साथ ही साथ कंट्रोलिंग फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है सो so, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि एग्जाम में ना जो क्वेश्चन का स्टाइल होता है वो दो हिस्सों में बटा होता है पहला डायरेक्ट क्वेश्चन जो कि घुमा फिरा कर नहीं पूछे जाते सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट दी जाती है और स्टेटमेंट को रीड करके आपको पता लगाना पड़ता है कि ये कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन है और फिर आपको उसका आंसर देना पड़ता है टॉपिक वाइज तो अगर हम सबसे पहले बात करें आपको दो मार्क्स अगर अपने पक्के करने हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि नॉर्मल है कंट्रोलिंग क्या होता है कंट्रोलिंग को एक्सप्लेन कर दो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या है कंट्रोलिंग से आप क्या समझते हो कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या क्या होता है क्या है का? है फंक्शन फंक्शन का तो कैसा क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्टेटमेंट दे रखी है और स्टेटमेंट के लास्ट में आपको कहा गया है इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग ही बताना है लेकिन जो मीनिंग आप याद करके गए हो वो नहीं जो इन लाइंस में लिखा है इसको हाईलाइट करते हुए आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग एक्सप्लेन करना है तो कंट्रोलिंग का सिर्फ मीनिंग करके चला जाना सही बात नहीं होगी अगर दो मार्क्स पक्के करने हैं तो आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग एन की बुक में से जरूर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है जैसे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है टू सीक प्लैंड रिजल्ट फ्रॉम मैनेजर नीड्स टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज ऑफ दबॉर्डिनेट्स यहां पर आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग एक्सप्लेन करना है क्या है यहां पर कंट्रोलिंग का मीनिंग कंट्रोलिंग एज एन इफेक्टिव सिस्टम टू अचीव प्लैंड रिजल्ट फ्रॉम दिस सबॉर्डिनेट ये आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या कंट्रोलिंग एक इफेक्टिव सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा सकते हैं और अपने को अचीव कर सकते हैं yes no. तो ये आपको ऐसे ही एक और क्वेश्चन हमारे पास है जो इनडायरेक्ट वे में आपसे पूछा गया है इट इज द फंक्शन दैट ब्रिंग्स बैक द मैनेजमेंट साइकिल बैक टू द्लानिंग फंक्शन इट इज अ फंक्शन ये वो फंक्शन है जिसको परफॉर्म करने के बाद मैनेजमेंट की जो साइकिल है वो दोबारा प्लानिंग पर आ जाती है कौन सा फंक्शन है ऑब्वियसली कंट्रोलिंग वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है अब आप ये क्वेश्चन रीड करो क्या आपको क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज कंट्रोलिंग नहीं फिर भी क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको कंट्रोलिंग ही एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है डायरेक्टली नहीं पूछा गया कि कंट्रोलिंग बताओ इनडायरेक्टली दूसरे एक अलग ढंग से पूछा गया घुमा फिराकर स्टेटमेंट की हेल्प से पूछा गया कि कंट्रोलिंग बताओ क्योंकि तो कंट्रोलिंग ही वो फंक्शन है जहां पर हम डेविएशन लेते हैं और करेक्टिव एक्शन लेने के लिए प्लानिंग करते हैं सो कंट्रोलिंग ब्रिंग्स बैक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑन प्लानिंग तो ये आपको एक्सप्लेन करना है ऐसे एक और क्वेश्चन दिस प्रोसेस हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यूचर प्लान्स

क्योंकि एग्जाम में आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जैसे हाउ कंट्रोलिंग हेल्पफुल इन इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन इन पांचों छओ में से कोई एक पूछा जा सकता है तब आप क्या कहोगे कि हम ये वाला तो पढ़ के नहीं आए हम तो पहले दो लर्न करके आए थे तब आप ये नहीं कह सकते तो आपको सारी इंपॉर्टेंसेस जो है वो लर्न करके जानी है क्योंकि एग्जाम में कोई भी इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है हाँ अगर एग्जामिनर ने अपना क्वेश्चन थोड़ा इजी डालना हो तो वो ये कह सकता है हाउ कंट्रोलिंग इज इंपॉर्टेंट एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताओ तब आप कोई भी तीन चार इंपॉर्टेंस लिख सकते हो विदाउट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इज डू यू एग्री ये कंट्रोलिंग के बिना मैनेजमेंट का प्रोसेस इनकंप्लीट है कैसे आपको कंट्रोलिंग का मीनिंग और यहां पर कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी तो अगर तो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कोई भी इंपॉर्टेंस लिखो मार्क्स पूरे मिलेंगे लेकिन अगर एग्जाम में एग्जामिनर ने एक स्पेसिफिक हेडिंग एक्सप्लेन करने को कह दिया तो आपको वही एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आप अपनी मन मर्जी की कोई भी हेडिंग एक्सप्लेन नहीं कर सकते आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग के इनडायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में अभी मैंने आपको बताया टोटल ये फाइव टू सिक्स कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हैं इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंस आपको इनडायरेक्ट वे में पूछी जा सकती है एक स्टेटमेंट दी होगी उस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको बताना होगा कि यहां पर कंट्रोलिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करी गई है जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। कंट्रोलिंग गाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप इट ऑन द राइट ट्रैक सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स माइट बी अचीव्ड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है जो रास्ता चल रहा है वो सही रास्ता है या गलत रास्ता है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फाइनली अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे उनको पता लगाने में मदद करता है बताओ यहां पर कंट्रोलिंग की कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है टोटल totally यहां पर हमारे पास ये सिक्स इंपॉर्टेंसेस दे रखी हैं। ऑब्वियसली ए ऑर्गेनाइजेशनल गोल

बताओ यहां पर कौन सी कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है ऑप्शन बी जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड तो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं दो मैंने करवा दिए ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है जिनका आंसर सही होगा उनके कमेंट को हम लाइक जरूर करेंगे आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं सेकंड टॉपिक की पहला टॉपिक आपने प्रिपेयर करने मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग सेकेंड टॉपिक जो आपने प्रिपेयर करना है वो है कंट्रोलिंग प्रोसेस बस इतना ही कंट्रोलिंग तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है लेकिन भाई अब तो वो सिलेबस में ही नहीं है तो वो करना ही क्यों जो सिलेबस में है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कंट्रोलिंग का प्रोसेस तीन नंबर के लिए

Identify these steps of controlling by quoting lines. आपको पूरा पैराग्राफ दिया होगा पैराग्राफ रीड करके आपको पता लगाना होगा कि कौन कौन सा कंट्रोलिंग का स्टेप यहां पर परफॉर्म किया गया है विद हेल्प ऑफ आपको विद्स कोट करनी पड़ेंगी और बताना पड़ेगा कि इस लाइन में हमने ये वाला कंट्रोलिंग का स्टेप परफॉर्म किया है तो एक तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई दिस स्टेप्स नॉट परफॉर्म आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा उस पैराग्राफ को रीड करने के बाद आपको पता लगाना होगा कि कंट्रोलिंग के कौन से स्टेप्स नहीं किए गए कुछ दो स्टेप्स परफॉर्म किए गए होंगे और उन दो स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद अगले तीन से स्टेप कौन से होंगे आपको खुद बताना पड़ेगा so, कौन से दो स्टेप्स परफॉर्म किए गए और कौन से अगले तीन होंगे वो आपको बताना पड़ेगा आपको याद होगा कंट्रोलिंग के टोटल फाइव स्टेप्स होते हैं तो बस वो फाइव स्टेप्स अच्छे से याद कर लो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है अब एक क्वेश्चन हम हम ट्राई करते हैं और एक क्वेश्चन क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देंगे दो हमारे सामने ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क होगा ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये हम आपको करवाएंगे पहले भी मैंने बताया है कि भाई जब भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन करते हो ना पैराग्राफ पहले रीड कभी भी मत करो क्योंकि पैराग्राफ रीड करोगे तो बहुत सारी कंफ्यूजन होगी माइंड में आपको पहले ना ये जो अंत में दो क्वेश्चन दिए होते हैं इनको रीड करना है चलिए क्या कह रहे हैं आइडेंटिफाई वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन परफॉर्मड बाय ग्लेन व्हिच हेल्पड स्मिथ कूरियर सिस्टम टू सरवाइव एंड ग्रो ओके यहां पर मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया गया Obviously, आज हम controlling chapter कर रहे हैं तो इसका आंसर ही मिल चुका है लेकिन एग्जाम में आपको कहां से question आएगा, नहीं पता। तो तो इसलिए आपको paragraph read करना पड़ेगा। तो अभी हमें पता ये कंट्रोलिंग चैप्टर है इसलिए पहले का आंसर तो हमें मिल गया सेकंड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्सो आइडेंटिफाई फंक्शन आइडेंटिफाई इन ए कोटिंग द लाइन फ्रॉम केस आपको यहां पर लाइंस कोट कर करके बताना है कि कंट्रोलिंग के कौन कौन से स्टेप्स यहां पर परफॉर्म किए गए हैं तो यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कंट्रोलिंग के टोटल फाइव स्टेप्स होते हैं एक एक करके हम आपको बता देते हैं नंबर वन सेटिंग स्टैंडर्ड्स सेकंड मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस थर्ड कंपेयरिंग स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस फोर्थ एनालाइजिंग दिएशन एंड द फिफ्थ लास्ट वन टेकिंग करेक्टिव एक्शन सो ये फाइव स्टेप्स हैं अब इनमें से कौन से परफॉर्म किए गए हैं कौन से परफॉर्म नहीं किए गए अभी हमें नहीं पता पैराग्राफ करेंगे, एक एक लाइन को आइडेंटिफाई करेंगे लाइन कोट करेंगे और फिर जाके हमें इसका आंसर मिलेगा रीड so, करते हैं और हाईलाइट करते हैं क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं पैराग्राफ में हमें कह रहे हैं स्मिथ कुरियर सिस्टम बेस्ड इन स्विट्जरलैंड एज प्रोवाइडर ऑफ अ सेम डिलीवरी सिस्टम ऑल्सो स्मिथ में डू एवरीथिंग राइट टू मेट इट्स डिलीवरी सिस्टम

उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं सेम डेज डिलीवरी सिस्टम ओके सो पहला आंसर हमें मिल चुका है पहला स्टेप जो कंट्रोलिंग फंक्शन में यहां पर परफॉर्म किया गया है वो है सेटिंग दिस स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड्स क्या हैं सेम डे डिलीवरी सिस्टम यानी वो सेम डे डिलीवरी करना चाहता है अपने कूरियर्स की ये उसका पहला जो स्टेप है कंट्रोलिंग ये प्रोसेस का

नॉट एबल टू फुलफिल मतलब कभी कभी वो डिलीवरी जो है वो सेम डे नहीं करवा पाता उसके पार्सल जो है वो मिसप्लेस हो जाते हैं या फिर डिलीवर नहीं हो पाते सेकंड स्टेप एक्चुअल परफॉर्मेंस भी मेजर कर ली डिलेज आर यूजुअली आर रिजल्ट ऑफ पैकेजेस बीइंग मिसप्लेस्ड इन द दरलाइंस ट्रैकिंग सिस्टम पैकेजेस मिसप्लेस हो जाते हैं जैसे कि मैंने कहा सच इंसिडेंट्स आर बियॉन्ड स्टर्लिंग्स कंट्रोल ये हाथ में नहीं थे ये आउट ऑफ कंट्रोल थे इसलिए इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता था बट फ्रॉम द कस्टमर्स वेंटेज पॉइंट पॉइंटर इज स्मिथ्स प्रॉब्लम लेकिन कस्टमर कहते हैं कि भाई इसको कंट्रोल किया जा सकता था ये स्मिथ की प्रॉब्लम है यानी कोरियर सिस्टम की प्रॉब्लम है टू कंट्रोल द डैमेज क्रिएटेड बाय सच डिलेज स्मिथ हैड टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स इनको दूर करने के लिए करेक्टिव मेजर्स लेने चाहिए क्या कंपैरिजन किया गया स्टैंडर्ड्स और एक्चुअल परफॉर्मेंस का अभी तक तो नहीं किया गया डेविएशंस को एनालाइज किया गया यस yes! यहां पर हम अपने डेविएशंस जो है वो एनालाइज कर चुके हैं हमें पता चल चुका है कि प्रॉब्लम क्या है मिसप्लेस तो थर्ड स्टेप तो कंट्रोलिंग में परफॉर्म नहीं हुआ लेकिन फोर्थ स्टेप यहां पर हमें पता चल चुका है मिसप्लेस तो यहां पर हम लिख सकते हैं मिसप्लेस ये लाइन आपको यहां पर ना कोट करनी है ऐसे ही नेक्स्ट आगे रीड करते हैं टू कंट्रोल द डैमेज क्रिएटेड बाय सच डिले स्मिथ हे टू टेक सम करेक्टिव मेजर्स फॉर एग्जांपल फॉर सेवरल मंथ्स इन 1990 एंड अर्ली वन सेवरल एस डिलीवरी उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से 1990 और 1991 के बीच में बहुत सारे पार्सल जो है ना वो डिसअपेयर हुए थे the package turned up later lekin baad mein wo samne aaye but customers also suffered the financial losses customers jo hai wo losses bear kar chuke the jo package misplaced hue the wo baad mein dhoonde gaye mil gaye lekin tab tak customer ko loss ho chuka tha yet because the package were eventually recovered neither insurance company nor the airlines was liable बाद में package मिल चुके थे इसलिए ना ही insurance company ना ही airlines कोई भी responsibility लेने के लिए तैयार नहीं था डिसीजन ऑफ द प्रेजिडेंट ग्लीन वॉज द वेदर टू कंपनशेट दस्टमर ऑफ दॉसि शिपमेंट तो ग्ली सोल्यूशन क्या होना चाहिए क्या हम अपने कस्टमर्स को उनके लॉस का पैसा दें या फिर डिलीवरी के चार्जेस जो है वो उनसे ना वसूलें तो ग्लीन ने कंक्लूड किया कि भाई अगर हम शिपमेंट के चार्जेज उनसे नहीं लेते हैं तो ये एक इनएडिकुएट होगा लेकिन अगर हम उनको फाइनेंशियल लॉस बियर कर लेते हैं जो कि थर्टी थाउजेंड डॉलर का है वो हमारे लिए लॉसेबल हो जाएगा सो फाइनल डिसीजन क्या हुआ टू पे आउट आउटी थाउजेंड टू कंपनसेट दस्टमर्स लॉस टेकिंग करेक्टिव एक्शन लास्ट स्टेप तो ये जो लास्ट लाइन है ना ये करेक्टिव एक्शन है जो यहां पर लिया गया है जिसको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है सो so, ओवरऑल देखा ओवरऑल अगर देखा जाए अभी हमने ये जो पैरा रीड किया इसमें कंट्रोलिंग का फंक्शन हाईलाइट किया गया था टोटल फाइव स्टेप्स हैं लेकिन फोर स्टेप्स परफॉर्म किए गए लास्ट स्टेप करेक्टिव एक्शन क्या लिया गया जो थर्टी थाउजेंड का है, वो कस्टमर्स को पे किया गया फॉर द ऑफ पार्सल्स इसी तरह आपको ये पूरा पैराग्राफ रीड कर रहे हैं जो कि ईजी है इस क्वेश्चन के कंपेरिजन में ये वाला इजी है तो आपको यहां पर दो क्वेश्चंस का आंसर देना है कमेंट करके जरूर बताना सो so ये थे वो दो टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करने हैं कंट्रोलिंग का मीनिंग और साथ में कंट्रोलिंग का प्रोसेस अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आपके फाइव मार्क्स पक्के मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा सो ऑल दी वेरी बेस्ट है